सब
एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हूँ निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कर हूँ कृपा जगदम्ब भवानी। अनेक कीन है धारण, बार बार में
कोटि भाग के सब अंगों की गुहमेश्वरी माँ पूतना जग जननी श्यामा रंग घुटनों जंघाओं की कर रक्षा वो विंध्यवासिनी तखनों यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा ये
माँ जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं, हम एक बात बताते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंड के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं, मंगल दर्श कराते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बार जब सभी देवता असुरों से हारे, भटक रहे थे त्रिभुवन में सारे मारे मारे, त्रिभुवन में मारे मारे। इंद्र देव को तब माता के वचन याद आए, महिषासुरवध पर जो दिया था उनको दोहराए, उनको दोहराए। इंद्रदेव बोले जगदम्बा वचन निभाएंगी, कष्ट हमारे हरने माता अवश्य आएंगी, माता अवश्य आएंगी। सबने मिलकर आदिशक्ति माँ का आह्वान किया, तब माता ने होके प्रकट उनको वरदान दिया, उनको वरदान दिया। सभी देव माँ जगदम्बा को शीश झुकाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। के आश्वासन से देव सभी निश्चिंत हुए, करके माँ को प्रणाम सब अपने धाम को लौट गए, अपने धाम को लौट गए। माँ ने खल दुष्टों असुरों दैत्यों को दंड दिया, देवों साधु संतों भक्तों का दुख दूर किया, आदिशक्ति जगदम्बा तीन रूप धरती, सरस्वती लक्ष्मी काली जग संचालन करती, जग संचालन करती। इन्हीं तीन शक्तियों ने मिल कन्या का रूप लिया, धरती लोक सहित तीनों लोकों को धन्य किया, लोकों को धन्य किया। माँ के कन्या रूप को त्रिभुवन शीश झुकाते हैं, त्रिभुवन शीश झुकाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता के एक परम भक्त थे श्रीधर जिनका नाम, माता को अर्पित था उनके जीवन का हर काम, उनके जीवन का हर काम। सुमिरन चिंतन ध्यान भजन में बस माता माता, श्रीधर के तन मन जीवन में बस माता माता, बस माता माता। दिन श्रीधर कहीं जा रहे थे एक जंगल से,
एक आवाज सुनी जो निकली थी किसी पायल से, निकली थी किसी पायल से। पायल की मीठी पावन झनकार सुनाई दे, पर श्रीधर को कोई भी ना वहाँ दिखाई दे, वहाँ दिखाई दे। वैष्णो माँ की लीला श्रीधर समझ न पाते हैं, कुछ भी समझ न पाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हाथ जोड़ कर श्रीधर ने माता को प्रणाम किया, कन्या रूप में तब माता ने उनको दर्श दिया, उनको दर्श दिया। गदगद होकर श्रीधर बोले धन्य हुआ मैया, अब तो भवसागर से तर ही जाएगी नैया, तर ही जाएगी नैया। माता बोली श्रीधर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, अब घर जाकर वही करो जो तुमसे बोलूँ मैं, जो तुमसे बोलूँ मैं। अपने बंधु बांधव और सौ ब्राह्मण बुलवाओ, ब्रह्म भोज अपने घर पर तुम श्रीधर करवाओ, तुम श्रीधर करवाओ। माँ की आज्ञा श्रीधर सादर शीश चढ़ाते हैं, सादर शीश चढ़ाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ तो अंतर्धान हो गई ये आज्ञा देकर, ब्रह्म भोज कैसे होगा ये सोच रहे श्रीधर, ये सोच रहे श्रीधर। दो जन का दो समय का भोजन जुटा नहीं पाते, श्रीधर पत्नी सहित कभी भूखे ही सो जाते, भूखे ही सो जाते। ब्रह्म भोज ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे कराएगा, सौ सौ लोगों का भोजन ये कहाँ से लाएगा, ये कहाँ से लाएगा। पर माता की आज्ञा को श्रीधर ने मान लिया, माता के विश्वास पे ब्रह्म भोज को ठान लिया, ब्रह्म भोज को ठान लिया। श्रीधर बंधु बांधव और ब्राह्मण को बुलाते हैं, सौ ब्राह्मण को बुलाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ जी को बुलाया था, साथ ही उनका चेला भैरवनाथ भी आया था, भैरवनाथ भी आया था। भैरवनाथ बड़ा ही तपस्वी ज्ञानी ध्यानी था, पर व्यवहार में बड़ा अहंकारी अभिमानी था, अहंकारी अभिमानी था। ब्राह्मण सब हो गए इकट्ठे पर कुछ भोग न था,
और कहीं से कुछ मिलने का कोई योग न था, कोई योग न था। श्रीधर को विश्वास है माता अवश्य आएंगी, और वही संपन्न ये ब्राह्मण भोज कराएंगी, ब्राह्मण भोज कराएंगी। हाथ जोड़ के शीश झुका के माँ को मनाते हैं, श्रीधर माँ को मनाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुखी हो जो ही विनती श्रीधर ने सुनाई, कन्या रूप में प्रकट हो गई जगदम्बा माई, जगदम्बा माई। बोली तुम चिंता ना करो सब कुछ हो जाएगा, हर ब्राह्मण अपना मन चाहा भोजन पाएगा, मन चाहा भोजन पाएगा। प्रकट हो गई भोजन से भर के अनगिन थाली, स्वास्थ्य तन को और मन को संतुष्टि देने वाली, संतुष्टि देने वाली। श्रीधर का भंडार भर गया सुख समृद्धि आई, जप तप और संतोष का फल दिया यू महामाई, फल दिया यू महामाई। श्रीधर पत्नी सहित सुखी संतुष्ट हो जाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण तो संतुष्ट हो गए पर भैरव न हुआ, कन्या रूपी जगदम्बा से वो यूं बोल पड़ा, वो यूं बोल पड़ा। मैं ये 56 भोग मिठाई मेवा न खाऊंगा, मदिरा मांसाहार से ही मैं भूख मिटाऊंगा, माँ बोली ये वैष्णव ब्राह्मण भोज है भैरवनाथ, सात्विक भोजन करो शांति और शिष्टाचार के साथ, शिष्टाचार के साथ। अहंकार में डूबा भैरवनाथ न कुछ माना, उसने पकड़ा हाथ तो माँ हो गई अंतर्धाना, माँ हो गई अंतर्धाना। भैरव को गुरु गोरखनाथ जी फिर समझाते हैं, धर्म की बात बताते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ के चल जाने पर भैरव पीछे पीछे चला, धरती क्या नभ में भी माँ के पीछे पीछे उड़ा, माँ के पीछे पीछे उड़ा। उड़ते उड़ते जाके हिमालय पर पहुंची माता, मुड़कर पीछे देखा तो भैरव भी था आता, वही हिमालय की चोटी पर बैठे थे हनुमान,
लांगुर वीर परम बलशाली बुद्धिमान बलवान माँ बोली तुम पहरा दो मैं अंदर जाती हूँ इस अभिमानी भैरव नाथ से पिंड छुड़ाती हूँ कर प्रणाम हनुमान जी पहरे पर डट जाते हैं पहरे पर डट जाते हैं माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता माता ने फिर वही त्रिशूल से गुफा बनाई है और गुफा में जाकर ध्यान समाधि लगाई है ध्यान समाधि लगाई है पीछे पीछे भैरवनाथ भी आगे पहुंचा वहां हनुमत से पूछा वो मायावी कन्या है कहां मायावी कन्या है कहां जब हनुमान ने उससे कारण और परिचय पूछा क्रोधित भैरव काल के जैसा हनुमत पर टूटा हनुमत पर टूटा भैरवनाथ और हनुमत में हुआ युद्ध भारी दोनों ही योद्धा बलधारी बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी एक दूजे से दोनों युद्ध में जीत न पाते हैं युद्ध में जीत न पाते हैं माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जय जय वैष्णो माता गुफा में कन्या बन के गई थी जगदम्बा माई पर बाहर माँ वैष्णो अर्ध कुमारी बन आई अर्ध कुमारी बन आई भैरव को समझाना चाहा पर वो ना समझा अहंकार और काल का मारा माता से उलझा माता से उलझा तब माता ने त्रिशूल चला उसका सिर काट दिया पाप किया था फिर भी माता ने उद्धार किया माता ने उद्धार किया यहीं पे फिर माता ने बाण गंगा प्रगटाई है जिसके जल से बजरंगी ने प्यास बुझाई है प्यास बुझाई है हनुमत संग सब देवी देव जयकार लगाते हैं जय जयकार लगाते हैं माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जय जय वैष्णो माता माँ जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं हम एक बात बताते हैं माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पिंड के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं मंगल दर्श कराते हैं माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता जय जय वैष्णो माता
जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जिनके सुमिरन मात्र से बनते बिगड़े का, भक्तों के मन मंदिर में माँ अम्बे का धाम, भक्तों के सागर हो पार, सुमिरन जो मन से करे भव सागर हो पार। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। दुर्गा दुर्गति शुभ करती हर काम, श्रद्धा से कर जोड़ के जो भी ले ले नाम, श्रद्धा से कर जोड़ के जो भी ले ले नाम। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। क्षमा करे जो भी शरण में आए, दुर्जन भी बनते सुजन अगर कृपा हो जाए, दुर्जन भी बनते सुजन अगर कृपा हो जाए। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। धरती पाताल में
से भक्तों को मिले अम्बे माँ का दुलार। सच्चे भक्तों को मिले अम्बे माँ का दुलार। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। सुमिरन जो करे बनती बिगड़ी बात। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। नवरात्रि के नौ दिवस देवी के निर्धन हो या भूप, हर कोई पूजा करे निर्धन हो या भूप। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। पुत्री भजलो या लो ब्रह्मचारिणी नाम, सारे दुख दारिद्र से मिलता है आराम। सारे दुख दारिद्र से मिलता है आराम। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे। चंद्रघंट के नाम से मंगल हो संसार, रोगों से मुक्ति मिले सुख से भरे घर बार। रोगों से मुक्ति मिले सुख से भरे घर बार। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे। कुष्मांडा माता ने ही सृजन किया ब्रह्मांड, इनके सुमिरन से मिले धन यश और सम्मान। इनके सुमिरन से मिले धन यश और सम्मान। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। स्कंद माता का नाम है मातृशक्ति का रूप, गोद में कार्तिक को लिए अद्भुत माँ का स्वरूप। कात्यायनी माता का जो अर्चन करता जाए, करे पराजित शत्रु को मन वांछित फल पाए। करे पराजित शत्रु को मन वांछित फल पाए। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ।
जाए वो सिद्धिया आस जिनकी धर ले। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। भावे
जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। चरणों की रज मिल जाए तो पंगों गिर चढ़ जाए, रोगों से मुक्ति मिले रंग राज पा जाए, रोगों से मुक्ति मिले रंग राज पा जाए। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ का करे सम्मान, सभी चराचर ही करे माता का गुणगान, सभी चराचर ही करे माता का गुणगान। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। सागर को पार, माँ के नाम से ही करे भव सागर को पार। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जग के कण कण निवास, इनकी आभा से मिले दिन कर को भी प्रकाश, इनकी आभा से मिले दिन कर को भी प्रकाश। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। महिषासुर मर्दन किया शुंभ निशुंभ का नाश, दुर्गम का वध भी किया मिट गई जग की त्रास, दुर्गम का वध भी किया मिट गई जग की त्रास। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे। जग पे जब बढ़ने लगा रक्त बीज का पाप, माँ काली का रूप ले हर लिया जग संताप, माँ काली का रूप ले हर लिया जग संताप। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। शिव की है अर्धांगिनी प्रथमेश्वर की माँ, जिनका पग वंदन करे ये सारी दुनिया, जिनका पग वंदन करे ये सारी दुनिया। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। क्षण भी कोई भला पास न आने पाए, एक
हृदय से जो करे माँ के नाम का जाप। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। दस महाविद्या रूप में किया जगत उद्धार, माँ के हर एक रूप की महिमा अपरंपार, माँ के हर एक रूप की महिमा अपरंपार। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे। दस महाविद्या मेलिया काली पहला रूप, दैत्यों के वध के लिए धारण किया स्वरूप, दैत्यों के वध के लिए धारण किया स्वरूप। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे। तंत्र साधना जो करे मा तारा को मनाए, मोक्ष मिले धन भी मिले सिद्धि पूरी हो जाए, मोक्ष मिले धन भी मिले सिद्धि पूरी हो जाए। जय जय अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या का नाम, चार भुजाएं त्रिनेत्र है सफल करे सब काम, चार भुजाएं त्रिनेत्र है सफल करे सब काम। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। भुवनेश्वर के जाप से सम्मान, तेज मिले व्यक्तित्व को इनसे सूर्य समान, तेज मिले व्यक्तित्व को इनसे सूर्य समान। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। छूने पाए, व्यापारी को लाभ
जो भी करे इनका पूजन विजय प्राप्त कर ले, जो भी करे इनका पूजन विजय प्राप्त कर ले। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। मातंगी माँ तारखे भक्त गृहस्थ सुखी, खेल कला संगीत के कौशल दे
सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं। मुरादे मन की कर पूरी यहाँ से लोग जाते हैं। हाँ सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं। मुरादे मन की कर पूरी यहाँ से लोग जाते हैं। मैं तुझ पे मान के अपना ये अधिकार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया। खुली है अब मेरी आंखें लगे ये मन भी घबराया। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया। खुली है अब मेरी आंखें लगे ये मन भी घबराया। तेरी सेवा में तज के मैं घर बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए। मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। ओ तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए। मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। मैं करने पूरा ये सपना अब की बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ।
मुझे स्वर्ग की